नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साइकोटेक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमने एक नए टॉपिक के साथ इस सेशन को प्लान किया है, और जिसमें हम एक एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करेंगे किस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपर्ट्स गाइडेंस ऑन प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट इन साइकोलॉजी। और आज के इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ जो आमंत्रित हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर तोसेन द्विवेदी सर। और सर के बारे में मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सीरीज एंड डिस्कशन सीरीज। तो प्रोफेसर द्विवेदी इज अ डिस्टिंग्विश्ड फिगर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड ही इज करेंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट CMR यूनिवर्सिटी बेंगलुरु एंड ही होल्ड्स द एस्टीम्ड पोजिशन ऑफ चीफ साइकोलॉजी कंसल्टेंट एट नॉलेज ब्रिज कंसल्टिंग इनकॉर्पोरेशन इन न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विथ अ रिच एकेडमिक बैकग्राउंड ही हैज़ ओवर 16 ईयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी एजुकेशन रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और साथ में मैं एक बहुत अच्छी बात मुझे पता चली है कि सर के मिशन के बारे में। तो सर का जो मिशन है वो है कि जो लोग हैं जो साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं तो उन इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना विद द एसेंशियल साइकोलॉजिकल स्किल्स एंड नॉलेज दैट आर रिक्वायर्ड टू थ्राइव बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपका सर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और इस सेशन के लिए आपने एग्री किया। तो ऑन द बिहाफ ऑफ साइकोटेक इंस्टीट्यूट एंड टीम आई वेलकम यू टू दिस डिस्कशन सेशन सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद बहुत सर कि आपने धन्यवाद समय निकाला। आपके जी आपके इस बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए, और साइकोटेक के सारे व्यूअर्स को और यूजीसी नेट सारे एस्पिरेंट्स को मेरी शुभकामनाएं और नमस्कार। तो इस डिस्कशन सेशन के लिए सर हमने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पे हमने क्वेश्चंस को आमंत्रित किया और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जिनमें से हमने 15 क्वेश्चंस को जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है उनको सॉर्ट आउट किया और एक सीक्वेंस में लिस्ट किया है डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो एक आम क्वेश्चन है, जो जनरल क्वेश्चन होता है लोगों के जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे होते हैं यूजीसी नेट का JRF का। तो वो क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एंड JRF। नेट और JRF के बीच में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें जानकारी दें। जी, तो साइकोटेक की तरफ से सभी व्यूअर्स का, सभी लिसनर्स का मैं अभिवादन करता हूं। मैं प्रोफेसर तोषेंद्र द्विवेदी, CMR यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, और अभी वर्तमान में KBC.in जो काउंसलिंग सर्विसेज पूरे भारत में प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन, उसका मैं चीफ साइकोलॉजी कंसल्टेंट भी हूं। और यूजीसी नेट की तरफ से मुझे इनवाइट भी किया गया था क्वेश्चन पेपर के लिए बनाने के लिए, तो मुझे कुछ इनसाइट है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सुबोध जी कि नेट और JRF में क्या फर्क है। देखिए, ये दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जो कि नॉर्मल MSc इन साइकोलॉजी या MA इन साइकोलॉजी जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो आप नेट क्वालिफाई करते हैं, इट स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एंट्री लेवल पे आप यू बिकम क्वालिफाइड टू टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। एंड फॉर JRF, इफ यू आर परस्यूइंग विशिंग टू परस्यू योर दिस PhD, अगर आप PhD करना चाहते हैं MA के बाद या MSc के बाद, तो JRF के माध्यम से आप स्कॉलरशिप के साथ PhD, और आजकल तो बहुत अच्छा दे रही है भारत सरकार, 50,000 या उससे ऊपर भी मिल रहे हैं SRF लेवल पे। तो ये फर्क है, अगर आप UGC नेट विद JRF लेते हैं तो आप PhD के साथ साथ PhD के दौरान आपको स्कॉलरशिप मिलेगी भारत सरकार की तरफ से, आप अपना शोध कर सकते हैं। और अगर आप केवल नेट लेते हैं तो आपको पात्रता, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, जिसके बाद आप मनोविज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर या सहाचार्य बन सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। और आई होप कि जिनका ये क्वेश्चन था, एक इंसान क्वेश्चन पूछता है तो उससे कई लोगों को एड्रेस होता है, कई लोगों के मन में सेम जी क्वेश्चन होता है। तो जो लोग जी देखेंगे इस आंसर को तो जी उनको हेल्प होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जी पूछा है सर, हाउ आर कैंडिडेट्स इवेलुएटेड फॉर द JRF इन UGC नेट साइकोलॉजी एग्जाम।
देखिए जेआरएफ, यस देखिए एग्जाम तो एक ही है, इसमें जो हाई मेरिट रहती है उनको जेआरएफ मिलता है। आप कह सकते हैं कि सारे एस्पिरेंट्स किसी भी सब्जेक्ट में हो तो टॉप 10% या टॉप 8% को जेआरएफ मिलता है, जो कि स्कॉलरशिप के साथ साथ आप पीएचडी कर सकते हैं। और बाकी जो नीचे हैं वो भी हायर रैंक में ही है, जनरली 95-98% जाता है, उनको नेट मिलता है। तो नेट जैसे कि मैंने बताया आपको राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जेआरएफ विथ नेट आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी मान्य करता है और आपको स्कॉलरशिप के लिए भी मान्य करता है, जो कि ज्यादा बड़ी मेरिट है। और टॉप स्कोरर्स को जेआरएफ दिया जाता है, उसके बाद नेट, उसके बाद जो रैंकिंग में है उनको नेट दिया जाता है। तो सर जिनका नेट, जो नेट क्वालिफाइड होते हैं, क्या उनको भी कुछ स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलती है? जी मेरे समय में तो मिलती थी, क्योंकि हम लोगों ने, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने शोध के दौरान, अपने पीएचडी के दौरान मैं नेट था और मुझे 5,000-8,000 रुपये महीने उस दौरान मिलता था। अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो जी वो यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी उसकी फंडिंग, उसकी फंडिंग, उसकी पॉलिसीज, उसकी डिसबर्समेंट कैसे होता है उसके ऊपर निर्भर है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है किस यूनिवर्सिटी में देंगे नेट के ऊपर, किस, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी कुछ ना दे रहे हो। हाँ वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी होता है, कई बार फाइनेंशियल क्रंच है तो वो नहीं रिलीज होता है, या ऐसे भारत सरकार की तरफ से कुछ है उसके लिए आपको गाइडलाइंस देखनी होगी। जब पर मुझे लगता है कि कुछ आपको नेट के बावजूद अगर आप पीएचडी करते हैं तो कुछ आपके लिए मानदेय है, जो कि कैंडिडेट्स को देखना चाहिए भारत सरकार के नॉर्म के हिसाब से। ठीक है सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है किसी ने, वो है हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम इन साइकोलॉजी। तो प्रिपरेशन को क्वेश्चन पूछा है। जी ये प्रिपरेशन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि कई लोग 2-3 साल तैयारी करते हैं और नहीं होता है, और कई लोगों को केवल 4 महीने की तैयारी या 5 महीने की तैयारी के बाद हो जाता है। सो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि इसको फ्रेशर्स जो एमएससी या एमए फाइनल ईयर में हैं, जो इन्हें अभी नेट देना है वो भी देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अभी आप रफ्तार में हैं, आप मास्टर्स के उस टेम्परामेंट को, उस टेम्पो को मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं जैसे कि मैंने भी किया था, तो उसके लिए आपको 2 चीजों की सबसे पहले आवश्यकता है। एक तो अपनी स्टडी को फोकस करें, यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से करें, जो कि अवेलेबल है, एनटीए यूजीसी नेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और दूसरा है कि आप एग्जाम का क्या पैटर्न है अभी, जैसे कि अभी आजकल इंडियन साइकोलॉजी से या इंडिजिनस साइकोलॉजी से, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप पैटर्न देखिए कि कैसे चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आप डेली के अपने, मतलब कि डिनर विनर के बाद अगर 3-4 घंटा देते हैं तो मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने की तैयारी काफी होती है, साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहें तो ये बहुत आसानी से नेट हो सकता है। आपको बस 3 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो पैटर्न देखना है कि पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्या पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पिक हो रहे हैं, दूसरा आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है रेदर देन कि क्या पढ़ना है। अब जैसे कि एके सिंह की बुक आती है रिसर्च मेथड की, तो उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, आइटम एनालिसिस, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक पढ़ेंगे तो सब कुछ, क्योंकि आपको टंग टिप पे याद रखना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग 1 book 10 times रेदर देन रीडिंग 10 book once। तो अगर आप जैसे कि एक बेसिक बुक बना लें, सिकारेली एंड मेयर्स या मॉर्गन एंड किंग या बैरन, तो आप उसी एक किताब को 10 बार पढ़ें, जिससे कि फैक्ट्स आपके, आप फैक्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकें। अगर रिसर्च मेथड की बात करें तो आपको एके सिंह की रिसर्च मेथड वाली बुक बहुत अच्छी है, भारत भारती पब्लिकेशन की, और भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बाई एके सिंह। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं कहूँगा कि मिनियम या एस के मंगल की बुक, और थोड़ा सोशल साइकोलॉजी की बैरन बायरन एंड ब्रॉसकॉम या बैरन बायरन की बुक ले लें, और रॉबिन्स की बुक ओबी के लिए। तो ये 4-5 किताबों के थ्रू आप तैयारी करें, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो पैटर्न आ रहा है अभी आंसर क्वेश्चंस का उसको ध्यान में रखते हुए, तो मेरे ख्याल से 3-4 से 4.5 महीना, अगर 3-4 घंटे आप देते हैं तो पर्याप्त रहेगा।
जी सर, इससे एक पर्टेनिंग क्वेश्चन है कि इग्नू जैसे एक ओपन यूनिवर्सिटी है और अलग अलग एज ग्रुप के लोग अभी इग्नू से मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं साइकोलॉजी में, 50s में जी भी, 60s 70s उम्र जिनकी है वो भी परस्यू कर रहे हैं, तो हाँ वो भी देना चाहते हैं नेट का एग्जाम, तो क्या उसमें कोई एज लिमिट है नेट और JRF के लिए? जहाँ तक मुझे मालूम है कि JRF के लिए तो एज लिमिट है, शायद जनरल कैटेगरी के लिए 30 या 32 है जी और SC ST OBC के लिए 35 है, लेकिन मुझे लगता है नेट के लिए अभी क्लियरली डिटरमिंड क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि मैंने काफी उम्रदराज लोगों को नेट निकालते हुए देखा है। इस मद्देनजर अगर आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको NTA की वेबसाइट पे जाके UGC नेट की अपर एज लिमिट देखनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है 40-45 तक भी नेट पॉसिबल है, लेकिन इसे आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। जी धन्यवाद। सो सर, अभी एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा, आर देयर एनी स्पेसिफिक बुक्स और स्टडी मटेरियल रिकमेंडेड फॉर यूजी नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन? तो इसका जवाब आपने पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया, जैसे SK मंगल की हाँ बुक है स्टैटिस्टिक्स के हाँ लिए, बैरन की बुक है, हाँ उसके अलावा और हाँ कोई रिसोर्स? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि इट्स ऑल अबाउट रीडिंग वन बुक 10 टाइम्स रेदर देन रीडिंग 10 बुक वंस। तो आप यदि सबसे पहले एक बेसिक बुक ले लें, जैसे सिकारेली एंड मेयर्स या जनरल साइकोलॉजी के लिए, या मॉर्गन एंड किंग, या तो फिर बैरन, तो उसी एक किताब पे स्टिक रहें। अगर कोई टॉपिक उस किताब में ना हो तो दूसरी बुक छुए, और उसी किताब को आप जितनी बार मगअप कर सकते हैं उतने फैक्ट्स आपके कंट्रोल में आएंगे, आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते ही वो पॉपअप करेगा। और दूसरा है कि सोशल साइकोलॉजी के लिए बैरन एंड बायरन मैंने फॉलो किया था और काफी अच्छी किताब है। जनरल साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी के अलावा आप रिसर्च मेथड के लिए AK सिंह बहुत अच्छा है, और स्टेटिस्टिक्स के लिए एरन कूप्स की बुक अच्छी है, मिनियम की बुक अच्छी है, या SK मंगल की बुक अच्छी है। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जिस किताब के साथ, वो एक बुक ले लें और उसी को फॉलो करें। तो ये है, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए रॉबिन्स की बुक काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये कुछ बेसिक बुक्स हैं, पर इसके अलावा भी यदि आप कहीं से कुछ और बुक आपको अच्छी लगती है तो आप उसको देख सकते हैं, या कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे भी काफी अच्छी सूचना मुहैया है। धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द UGC नेट एग्जाम? जी, टाइम मैनेजमेंट की समस्या खास तौर से उन लोगों के लिए आती है जो कि ऑलरेडी या तो वर्किंग है, या तो MA साइकोलॉजी या MSc साइकोलॉजी कर रहे हैं, बड़ा टीडीएस हो जाता है। तो एक तो आप नेट की तैयारी के चक्कर में आपका CGPA या परसेंटेज ना गड़बड़ाए, ये ध्यान रखिए। आप रोज का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, जो आपके टीचर्स ने कवर कराया है, उसके अलावा आप अगर 2 से 3 घंटा डेली देते हैं टारगेटेड वे में, 3 से 4 घंटा मैक्सिमम, जी तो मेरे ख्याल से इस तरह से टाइम भी मैनेज हो सकता है। आपके एग्जाम के 4 महीना पहले से अगर आप शुरू करते हैं तो आप नेट के लिए तैयार हो जाए। अब इस टाइम मैनेजमेंट में, जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए रिसर्च मेथड और जनरल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, या रिसर्च मेथड और सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हफ्ते भर, तो इसके वीकेंड पे आप MCQ प्रैक्टिस करने के लिए समय निकालिए, जिसमें ऑनलाइन बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर होना चाहते हैं कि नेट तो कम से कम हो ही जाए, तो आप थोड़ा सा हार्डर लेवल के क्वेश्चंस करें MCQ के, जैसे UPSC के जो MCQ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं मार्केट में, जी उनके PDF भी हैं, उनके MCQ क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक्स भी हैं, आप उन पे जाएं, सो दैट इफ यू कैन एम एट मून यू कैन डेफिनेटली लैंड एट स्टार्स। आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो नेट निकलने की, क्वालिफाई करने की संभावना कहीं ज्यादा रहेगी। सर, आप तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, और जो भी एक बार सुनेगा आपकी इन बातों को, आई होप हाँ कि वो जो तैयारी कर रहे हो वो उन तक भी वीडियो पहुंचे और उनको जरूर हेल्प होगा। बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे टिप्स दे रहे हैं जो सारे स्टूडेंट्स जी के जी पास होगा। धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ मदद पहुंचा सकूं और कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ला सकूं, और जो बहुत सा अनाप शनाप लोग पढ़ते हैं या बहुत समय बर्बाद करते हैं या UGC नेट के लिए भयाक्रांत रहते हैं, उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ा सा आनंद आ जाए, थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए, तो मेरा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। आजकल सर ऑनलाइन दुनिया के जमाने में मतलब हर कोई गाइडेंस दे रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स गाइडेंस बहुत जरूरी है,
और वही हमारी कोशिश है कि एक्सपर्ट्स को इस प्लेटफॉर्म पे ला के उनसे जो उनका विजडम है वो यहाँ पे हाँ वो शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें सर, अगर आप अलाउ करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन? जी। आजकल की कमोवेश बहुत अच्छा हुआ है कि आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। जी अब उसके लिए आप अन अकेडमी या बायजूस भी नेट के लिए कोचिंग देते हैं, वो अब आपको जहां भी कंटेंट मटेरियल अच्छा लगे आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ और वेबसाइट्स हैं जो कि हम अपने साइकोटेक के व्यूअर्स को चाहेंगे कि वो जरूर विजिट करें, उसमें बहुत से एमसीक्यू और बहुत से आपको डायरेक्शंस और गाइडेंस मिलेगी। जैसे scoop.edunkle है, testmocks.com है, इसमें मॉक क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे हैं। इसके अलावा आपका textbook.com है, और इस तरह से कई वेबसाइट्स हैं। खासतौर से मैंने इनको पाया है कि इसमें से काफी अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यू हैं। अगर आप इनके अलावा थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो सॉफ्टवेयर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद भी आपके लिए एमसीक्यू बना के दे सकता है, जिससे आपके दिमाग को एक अच्छी फिनिशिंग, एक अच्छी पॉलिशिंग, एक चैप्टर पर्सनैलिटी या जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उस पर अच्छा ग्रिप बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सो आपके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएगी। जी, ये जो सर आपने रिसोर्सेज बताए, वेबसाइट्स बताए जिस पे एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, तो इसके अलावा भी कुछ होंगे वो आप हमें शेयर कर दीजिएगा, तो हम डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे ताकि लोगों को एक्सेस करना जरूर जरूर जी। मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, मैं अपने लिंक्डइन के साइट पे भी कुछ वीडियोस और कुछ एमसीक्यूज, करीब 2,500 एमसीक्यूज हैं मेरे पास जी, तो हमारे साइकोटेक के व्यूअर्स के लिए वो सुविधा हो जाएगी। जी धन्यवाद। सबसे अच्छी अप्रोच मैं मानता हूं कि अगर आप एमसीक्यू के साथ आपका 2 या 3 लोगों का ग्रुप हो और एक दूसरे को मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन पूछें, तो वो एक नेचुरल ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक नेचुरल चैलेंज का काम करता है और उसमें एक्सेलेंस और आप दूसरों के ऊपर बहुत आसानी से उठ सकते हैं जी, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें क्लैरिफाई भी होती हैं और आपका बेंचमार्क जो तैयारी का होता है वो भी बढ़ जाता है। तो मैं उसे एक 2 या 3, उससे ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं, उसके बाद तो फिर डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, तो ये एक अच्छी अप्रोच है जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आगे सर, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे जो आपने ग्रुप की बात की। उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर कोचिंग क्लासेस नेसेसरी फॉर यूजीसी नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन? क्या कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता होती है, नेसेसरी है? नहीं, नेसेसरी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यूजीसी नेट एक मीडियम चैलेंज लेवल का एग्जाम है, मीडियम टू हायर चैलेंज लेवल का। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी या वैसे एग्जाम्स की तरह नहीं है जहां पे कोचिंग लेना ही है। तो मैं कहूंगा कि आप अगर डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान करते हैं चीजों को, आप रोज 3 से 4 घंटा सेल्फ डिसिप्लिन के तहत निकालते हैं आपके मास्टर्स के साथ और थोड़े एमसीक्यू कर रहे हैं और आपका सिलेबस और पैटर्न फोकस में है, तो मुझे लगता है एक अच्छी तैयारी, आप एक अच्छा कंपटीशन में एक अच्छा चैलेंज दे सकते हैं। पर अगर आपका ये फोकस नहीं बन रहा है, कई लोगों को डर के कारण या कोई टारगेट दिया जाए तब वो मोटिवेट होते हैं, तो उस दशा में डेफिनेटली आपको बायजूस या अन अकेडमी या कोई ऑनलाइन कोचिंग्स बहुत सी हैं, लोकल भी हैं, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको एक लक्ष्य नहीं दिखेगा, जब तक आपको एक भय नहीं होगा, कई बार आपको एक विजन नहीं होगा, कई लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। सो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं और आप कई किताबों को कई बार रिवाइज कर सकते हैं, थोड़े एमसीक्यू लगा लीजिए, 2-3 लोगों का ग्रुप हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये सफर थोड़ा आसान हो जाएगा और शोर शॉर्ट सफलता दे सकता है। जी जी, तो जो आपने आंसर दिया सर उसमें 2-3 चीजें निकल के आती हैं। एक तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि सर जो हैं प्रोफेसर द्विवेदी सर, यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी गाइड करते हैं और बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम निकाला है और जो यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी गाइड करते हैं, तो इसीलिए जवाब दे पा रहे हैं सर कि जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस के वो उतना नहीं है जितना यूपीएससी के होते हैं। तो हाँ, मेरा मशवरा है कि अगर आप किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो आप यूपीएससी के क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चंस थोड़े आसान लगेंगे। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बताई सर कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत जरूरी है।
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, आपको तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करना है, तो इसके ऊपर भी हम फ्यूचर में एक एक्सपर्ट सेशन रखेंगे सर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे करनी है और कैसे कर सकते हैं। मैं अपने साइकोटेक के व्यूअर्स को ये बता दूं कि सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी को अपने ग्रिप में लीजिए, जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बुक है उसको ग्रिप में लीजिए। उसके बाद फिजियोलॉजी लेविनथाल से आप पढ़ सकते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हार्मोन सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह, लेविनथाल अच्छी बुक है। तो ये दोनों ग्रिप में आ गया। उसके बाद रिसर्च मेथड और स्टेटिस्टिक्स, और फिर आप सोशल और ओबी अगर आप पढ़ते हैं और थोड़ा सा क्लिनिकल टच दे देते हैं कार्सन बुचर या कोलमैन बुक से, तो मेरे ख्याल से चीजें कुछ बचती नहीं है। और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा, हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रैक्टिस थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स फॉर यूजीसी नेट साइकल्स। यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन जिसने भी पूछा है। देखिए, आमतौर पे एग्जामिनर्स हर बार एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेके बैठते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन एंड द शेप ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी, तो हमको मालूम है कि ईयर में होती है तीन सेट्स होती हैं बोन की, मैलियस, इनकस, टेपस, जिनका शेप होता है हैमर, एनविल, स्टिरअप। तो अब एक बार ये क्वेश्चन आया तो वो दूसरी बार पूछेगा कि ईयर बैलेंसिंग ऑर्गन है या हियरिंग ऑर्गन है, तो उसके इर्द गिर्द ही रहेगा। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है कि अगर आप पास्ट 10 साल के क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकें तो आपको क्वेश्चन किस एरिया से ज्यादा आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, इसका बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स से काफी मदद मिलती है, और हम लोगों ने भी किया था अपने टाइम। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज फॉर टैकलिंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द यूजीसी नेट साइकोलॉजी एग्जाम। हाँ, क्योंकि समय आपके पास 3 घंटे का ही है, जिसमें कि 100 आपको पेपर 1 जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिक और जनरल इंग्लिश, इसका सेक्शन है, जिसमें कि 100 प्रश्न होते हैं और आपको हर प्रश्न 1 मार्क्स का है। तो कई लोग इसमें उलझ जाते हैं, तो वो सेक्शन बी जो कि ज्यादा, वो सेक्शन 2 पार्ट 2 जो है, जो कि ज्यादा मार्किंग होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चन है पर हर क्वेश्चन 2 मार्कर है। तो जितना जल्दी हो सके, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपके हाथ में है 10th लेवल तक की, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड और कंपाउंड वगैरह, और आपका अगर थोड़ा सा पेपर 1 के लिए आप जी के जनरल नॉलेज की बुक, उपकार, इनसाइट, ट्रूमैन, ये सब की गाइड मिलती है, उससे तैयारी कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप सेक्शन पार्ट बी जो होता है वो प्योर साइकोलॉजी का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ओवरऑल 300 मार्क्स के हो गए। तो आप पार्ट टू के लिए ज्यादा समय निकालेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी स्कोरिंग टेंडेंसी और आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं क्वेश्चन के, वो इस तरह से बनते हैं कि आपका समय कई क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है, कई लोग उसी से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नहीं। तो मेरी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो ये है कि 1 से लेकर 100 तक पहले देख के जो सबसे पहले आए वो कर ले, बाद में जिसमें थिंकिंग वाले हैं उसमें थोड़ा सा समय आप दे सके, जिससे आपके JRF और NET दोनों के सिलेक्शन के चांसेस और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो इसमें सर जो साइकोलॉजी के जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे सेक्शंस है, आई थिंक 9 या 10 सेक्शंस है, तो 10 सेक्शंस है। हाँ, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी किस सेक्शन को पहले टच करना चाहिए? जैसे आपने जनरल साइकोलॉजी की बात की कि सबसे पहले कमांड जनरल साइकोलॉजी पे होनी चाहिए, तो सारे सेक्शंस है उसमें कौन से सेक्शंस के थ्रू हमें स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, वो मेरी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन हम कहेंगे कि गौतम बुद्ध का वो नारा याद रखिए, अपदीपो भव। हो सकता है आप स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो सबसे पहले जो अच्छा लगता हो ईट दैट फर्स्ट। वो मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं ना कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स, सो लो हैंगिंग फ्रूट्स को पहले निकालिए। तो अगर आप रिसर्च मेथड और स्टैटिस्टिक्स आपके हाथ में आ गई तो एक पार्ट कवर हो जाएगा, तो ये बर्डन जो यहाँ था ये कम हो जाएगा। उसके बाद आप फिजियोलॉजी या जनरल, लेकिन अच्छा मेथड श्योर शॉट ये है कि जनरल साइकोलॉजी को कोर बना के फिर धीरे धीरे आप स्टैटिस्टिक्स, फिजियोलॉजी और फिर सोशल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और थोड़ा सा क्लिनिकल और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इस तरह से बढ़े। टोटेलिटी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बीच में हमारा डिस्कशन हुआ था इस पे, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि आर देयर एनी चेंजेस और अपडेट्स इन द यूजीसी नेट साइकोलॉजी एग्जाम पैटर्न दैट आई शुड अवेयर ऑफ।
जी अभी चेंजेस रिकमेंड हुए हैं और उसके लिए कमेटी भारत सरकार संभवतः बना रही है, लेकिन वो कब तक लागू होगा वो अभी मैं कह नहीं सकता, वो तो गवर्नमेंट का परव्यू है। लेकिन हाँ, नेट में, नेट के सिलेबस में और क्वेश्चन पैटर्न में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जो कि समय रहते न्यूज़पेपर और जनसंचार और के माध्यम से मुझे और आपको अवगत होगा, तब मैं इस पे बेहतर बोल सकूंगा। और एनटीए की वेबसाइट पे भी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। हाँ, एनटीए की, क्योंकि आजकल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करा रहा, तो उसकी वेबसाइट पे सारी चीजें अपग्रेड होंगी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन? कौन से कॉमन लोग करते हैं मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, कई बार इतना एंथुजियाज्म में रहते हैं प्रोफेसर बनने के लिए कि वो अपना एमए ही पास नहीं कर पाते हैं। अब आप एक अच्छा दो पेपर में फेल हो गए, नेट क्वालिफाई भी हो गया, तो फिर वो आपका बहुत, वो सारी खुशी बेकार हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि बहुत सारी किताबों से पढ़ते हैं। अब हर किताब से आपका इक्वेशन बनने में टाइम लगता है, वो आपके मेमोरी में प्रॉब्लम करता है, यू कैन नॉट रिकॉल इट वेल। अब जिस किताब को आप 10 बार पढ़े हैं, अंडरलाइन किए हैं, आपको वो हाईलाइट होता है, इट रिफ्रेश योर न्यूरोनल लेक्सिकन सिस्टम। तो एक किताब को 10 बार पढ़िए, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। जैसे कि ब्रूसली ने कहा था कि मैं उस इंसान से डरता हूं जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, रेदर जी, देन उस इंसान को जो कि 10,000 किक्स लगाना जानता है। सो आप इन 4-5 बुक्स को बेस बनाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत रोबस्ट रहेगी। और फैक्ट्स, नेट इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। फैक्ट्स आपके टंग टिप पे है, तो आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही करते हैं कि कई किताबों से पढ़ने के कारण थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाते हैं और कंफ्यूजन के कारण एमसीक्यूज गलत करते हैं। और तीसरा लोग ये करते हैं कि कई बार मतलब कि कोचिंग वगैरह में इतना ज्यादा समय वेस्ट कर देते हैं कि सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आपकी सेल्फ स्टडी पर्याप्त है नेट के लिए, लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो कोचिंग की जरूरत है। और इसलिए आप अपना टाइम और स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बनाएंगे तो नेट बहुत विकट या बहुत दुरूह नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स को आसान लगना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम मैनेजमेंट की एफर्ट आपका एमए या मास्टर्स के साथ साथ आप जो नेट के लिए 2-3 घंटे दे रहे हैं, इसमें एक हेल्दी बैलेंस रहे, और वीकेंड पे खासतौर से एमसीक्यूज और थोड़ा ज्यादा समय दे दें, तो मुझे लगता है दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो आप आंसर दे रहे हैं, जो मैंने हाँ सीक्वेंस तैयार किया है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को डाला है सेलेक्ट करके, जहां पे आप एंड कर रहे हैं उसी से प्रेविलेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसी से पर्टेनिंग है, उसी से रिलेटेड। बिल्कुल। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसी पे है। इज देयर आर हाँ रिकमेंडेड टाइमलाइन फॉर स्टार्टिंग यूजीसी नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन कंसिडरिंग द वास्ट सिलेबस? आपने लास्ट क्वेश्चन में ही टाइम की बात की और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट देख हमारा है। जी, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है ग्रेजुएशन में, तो जी मुझे लगता है आपको कम समय, 3 महीना काफी होना चाहिए। लेकिन आपका ग्रेजुएशन अगर दूसरे डिसिप्लिन में है, बीबीएस में है, बीबीए या किसी और बैकग्राउंड में, और आप इग्नू से एमए कर रहे हैं और आप साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको बेसिक साइकोलॉजी क्लियर करना चाहिए, जिसके लिए एनसीईआरटी या इग्नू की बुक्स, बुकलेट बहुत अच्छे फॉर्म में, बहुत इजीली समझ में आती है, वैसे फॉर्मेट में लिखी है, इग्नू की एमए साइकोलॉजी की बुक और एनसीईआरटी। इसके थ्रू आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्सनालिटी हो गया, जनरल साइकोलॉजी हो गया, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आपको 5 महीने तक लग सकता है अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है, पर जी आपका ग्रेजुएशन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो मुझे लगता है 3-3.5 महीना पर्याप्त होता है नेट के लिए। धन्यवाद सर। जो मेरे करीब 54-55 बच्चों ने निकाला है, उनमें ये, मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ जिन्हें मैंने मेंटोर किया, मैंने गाइड किया है, तो जिनकी बेसिक्स क्लियर है, जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो गया आपका, आपका मीन मीडियन मोड और ये सब इक्वेशंस क्या है, किस तरह का कोरिलेशन, ये सब मालूम है आपको, तो मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट नहीं, 3-3.5 महीना पर्याप्त है। पर यदि आपका ग्रेजुएशन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आप नहीं है, तो मुझे लगता है 4.5 से 5 महीना लग सकता है, और उसके लिए अगर आपको एनसीईआरटी और इग्नू की टेक्स्ट बुक बहुत मदद करेंगी। बहुत बड़ी बात है कि आपने जैसे मेंशन किया 55-56 बच्चे, मतलब हाफ सेंचुरी आपने क्रॉस कर दिया जो हाँ, हाफ सेंचुरी तो क्रॉस है। आपने। कई ऐसे भी हैं जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं और बाद में पता चलता है, हाँ, तो हाफ सेंचुरी तो इजीली पार है। बहुत बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और थैंक यू, थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, हाउ कैन आई एनहांस माई राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स फॉर द सब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम, नेट साइकोलॉजी एग्जाम? सब्जेक्टिव पोर्शन एज सच, मतलब कि अभी तो फिलहाल एमसीक्यू ज्यादा आता है, लेकिन एमसीक्यू ही है, लेकिन सब्जेक्टिव अगर आप कहेंगे एनालिटिकल एबिलिटी, तो उसके, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास फैक्ट्स हाथ में है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर कहीं पे लिखना है, आपका एमएससी का एग्जाम है या कुछ भी है, तो आप उसमें आपको पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्रिटिकल इवेल्युएशन कह रहा है या वो एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है या एलाबोरेट करने के लिए कह रहा है, तो अगर आपके पास फैक्ट्स हाथ में है तो आप यू कैन प्ले विद दोस आइडियाज एंड एलाबोरेट एंड कैटर टू द डिमांड्स। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज वेयर कैंडिडेट्स डिस्कस यूजीसी नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज? क्या ऐसे कुछ फोरम्स या कम्युनिटीज हैं जहां डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स? जी, कई फोरम्स पे मैं गया भी हूँ, फेसबुक पे मैंने कई यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स इन साइकोलॉजी और लिंक्डइन पे मैंने कई पाया है, तो आप उसमें से किसी एक का पार्ट बन सकते हैं, उससे बहुत से इंफॉर्मेशन नोट्स बने बनाए या एमसीक्यू क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना होगा। तो सर आपने इतने स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है और उन्होंने सक्सेसफुली क्लियर किया एग्जाम, तो साइकोटेक के साथ, मतलब साइकोटेक का हेल्प कीजिए आप कि एक फोरम साइकोटेक भी खड़ा करे और उसपे जरूर, मैं यंग साइकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया का चीफ मेंटर हूं, जिसमें करीब 1000 साइकोलॉजिस्ट हैं, और अगर साइकोटेक कुछ मुहिम शुरू करता है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए या यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए या एमफिल एंट्रेंस जो होता है उसके लिए, तो मेरे पास अच्छी टीम है साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो मुझे बहुत गर्व होगा कि मैं साइकोटेक के साथ जुड़ के स्टूडेंट्स को इस ही नहीं और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तो ऑनलाइन कुछ सुविधा मुहैया करा सकूं, और मैं और मेरी टीम भी बहुत गर्व महसूस करेगी, साइकोटेक आजकल बहुत काम कर रहा है साइकोलॉजी फील्ड में, तो मुझे बहुत गर्व होगा आपके साथ कोलैबोरेट करके विद्यार्थियों को कुछ इजीली अवेलेबल शिक्षा, जो कि सस्ते में इजीली अवेलेबल हो, वैसा कुछ मुहैया कराने के लिए मैं तत्पर हूँ, आपके फोन कॉल और आपके डिस्कशन की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। लास्ट क्वेश्चन है सर इसका, कैन यू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन अप्रोचिंग केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द यूजीसी नेट साइकोलॉजी एग्जाम? किसी ने क्वेश्चन पूछा है, केस स्टडीज को और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कैसे अप्रोच करें, उस पर कोई गाइडेंस थोड़ा सा? हाँ, तो उसको मैं ये समझता हूँ, केस स्टडीज या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक तो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे डिपेंड करता है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ग्रिप कितना है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन है आप, और दूसरा ये है कि आप एग्जाम के दौरान कितना डर जाते हैं या एंशियस हो जाते हैं, वो भी आपकी परफॉर्मेंस को अहम, कई लोग बहुत कॉन्फिडेंट होके आते हैं और सबसे पहला ऑप्शन जो होता है उसी को गलत कर देते हैं, जैसे कॉमन सेंसिकल मिस्टेक लोग करते हैं, अब उन्हें मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सपोज द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब वो उनको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये इस तरह की मिस्टेक आदमी कॉमन सेंस के लैक की वजह से या ओवर एक्साइटमेंट की एंग्जाइटी, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अगर आप पढ़ें तो आप शांत रहें, यू शुड हैव इक्विपॉइस, यू शुड हैव बैलेंस, और अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप बहुत व्यथित ना हो, आपकी शांति और आपकी स्थिरता काफी क्वेश्चन सही कराएगी, और जिन क्वेश्चंस में आपको पक्का मालूम, आपको मालूम है एलिमिनेशन यूज करना चाहिए, जैसे उस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं मालूम है तो आप देखिए उसके विकल्पों में या ऑप्शंस में क्या नहीं हो सकता है, अगर 3 विकल्प नहीं हो सकते हैं तो चौथा सही ही होगा जी, सो इस तरह से आपके सही आंसर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो गलती आमतौर पे लोग करते हैं या तो भयवश या तो ओवर एक्साइटमेंट की वजह से आता हुआ प्रश्न गलत करते हैं, तो ये ह्यूमन मिस्टेक्स जो होती हैं, जो कि 8-10 क्वेश्चन गलत कराती हैं, इसको आप पार पा सकते हैं स्थिर रह के, एग्जामिनेशन सेंटर पे 15-20 मिनट पहले जाएं, रिलैक्स आधे घंटे पहले पहुंच जाएं, रिलैक्स रहें, बहुत ज्यादा लोगों में गॉसिप और ये सब ना करें, माइंडफुल रहें, और अगर क्वेश्चन आता है
तो एक्साइटमेंट में पहले विकल्प को ना देखें, चारों ऑप्शन देख के उसके बाद टिक करें। और अगर क्वेश्चन आ रहा है आपको बहुत इजी लग रहा है तो याद रखिएगा कि उसमें कुछ ट्विस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने का हर प्रश्न का हम लोगों को पैसा मिलता है जो भी बना रहा है जी। तो आप अब देखिए ना कितना इजी क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और कई लोग इसमें 0 ना लगा के 1 लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि एटॉमिक नंबर 1 है। तो क्वेश्चन अगर इजी है तो वो ट्विस्टिंग होगा क्योंकि कॉम्पिटिशन कम है, और कई बार क्वेश्चन अगर स्ट्रेट है और एनालिटिकल और आपकी डेप्थ देखना चाह रहा है केस स्टडी के फॉर्मेट में है तो उस केस स्टडी को पढ़ के आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की का प्रयास कीजिए कि वो जानना क्या चाह रहा है। जिस दिन आपकी ट्यूनिंग या वेवलेंथ एग्जामिनर का माइंडसेट से मैच कर गई तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो केस स्टडीज आती हैं वो सब गलत नहीं होगा। okay. और एलिमिनेशन टेक्निक जो मैंने बताया है वो काफी हेल्प करती है। थैंक यू सर। और इसी के साथ 15 क्वेश्चन जो है हमारे जो हमने सेलेक्ट किए थे उसका बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। और फाइनल मैसेज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप जो यूजीसी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जी, जो यूजीसी नेट और JRF की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक नोबेल प्रोफेशन की ओर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगा क्योंकि वो हमारे टीचिंग प्रोफेशन जो कि एक नोबेल प्रोफेशन है उसमें कदम रखने की ओर पहला ये स्टेप ले रहे हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि आप जोश और जुनून से, आप कितना भी कहीं जॉब करते हों, कहीं MSc या MA कर रहे हों, 15 से मतलब कि अगर आप 3 से 4 घंटे आप निकालते हैं डेली और वीकेंड पे थोड़ा सा 5 घंटे 6 घंटे तो मुझे लगता है कि 3.5-4 महीना काफ़ी है नेट के लिए। इसके लिए 3 लोगों का ग्रुप बना के अच्छे से एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हेल्दी कॉम्पिटिशन के फॉर्म में तैयारी करें। इसके लिए एक बुक को 10 बार पढ़ने की प्रवृत्ति रखें। इसके लिए आपका फोकस सिलेबस और पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या आ रहा है क्वेश्चन पास्ट ईयर्स के उस पे रहना चाहिए, और MCQ की थोड़ी सी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो आपके साइकोटेक के सारे व्यूअर्स को और साइकोटेक के सभी पदाधिकारियों को और सुबोध जी आपको खास तौर से इतना मनोविज्ञान के क्षेत्र में इतना स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए, इग्नू और बहुत से स्टूडेंट्स हमको बताते रहते हैं कि आपने इंटर्नशिप से लेके हर चीज में उनकी कितनी सहायता किया, तो आप सब के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक शायरी अर्ज है। उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे, महक कम ना हो अपने दोस्ती की, यारी ऐसी हो जो मिलने को मजबूर करे। सो मैं अपील करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि साइकोटेक की अलग अलग मॉड्यूल्स और इवेंट्स का लाभ उठाएं, और शीघ्र ही हम लोग PhD एंट्रेंस, MPhil एंट्रेंस या UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए कुछ ऑनलाइन शुरू करेंगे जिसमें आप शरीक होकर लाभ उठा सकते हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामना मुझे आमंत्रित करने के लिए सुबोध जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। साइकोटेक के सारे व्यूअर्स को शुभरात्रि, नमस्कार एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नमस्ते सर, आपने समय निकाला, इट्स अ फीलिंग ऑफ गिविंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो आप जो देते हैं उसकी वजह से ज्यादा जाने जाते हैं। हम बच्चों को इलिमिनेट करना चाहते हैं, यदि आप अवसर देंगे, साइकोटेक अवसर देगा तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे इस डिस्कशन सेशन में, और आप स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट डिस्कशन सेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप लोग बने रहें और जल्द ही हम कुछ और टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सुबोध जी। नमस्कार सर।